नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। बिहार में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और आज का फर्स्ट अपडेट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज का फर्स्ट अपडेट के अनुसार एक बार फिर से 700 से अधिक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, यानी पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। 700 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है और एक बार फिर से आज जो फर्स्ट अपडेट जारी किया गया है, 709 मामले सामने आए हैं, यानी 700 के पार बिहार में फर्स्ट अपडेट के अनुसार संक्रमित मरीज मिले हैं। और इसी के साथ बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 15,000 के पार हो गया है, यानी अब बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 15,000 के पार हो गया है। 709 मामले सामने आए हैं और फर्स्ट अपडेट के अनुसार बिहार में पटना सबसे अधिक संक्रमित जिला नजर आ रहा है। फर्स्ट अपडेट के अनुसार 133 नए मामले सिर्फ पटना से सामने आए हैं, यानी 709 में 133 सिर्फ पटना से सामने आए हैं और पटना अभी भी संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर है, यानी पटना जिले में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। चाहे संक्रमण की पहचान हो या फिर मौत या फिर रिकवरी, सभी आंकड़ों में पटना फिलहाल सबसे ऊपर है। संक्रमित मरीज पटना में सबसे अधिक मिले हैं, मौत का आंकड़ा भी पटना में सबसे अधिक है और रिकवरी रेट भी पटना में ही सबसे अधिक है। जो आज का फर्स्ट अपडेट जारी किया गया है, 709 मामले सामने आए हैं। इन 709 में 133 संक्रमित मरीज राजधानी पटना से ही हैं। 15,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो गया है और वो हम आपको वो तमाम जिले दिखाते हैं कि किस जिले में कितने संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, वो लिस्ट दिखाते हैं कि कितने संक्रमित मरीज किस जिले से सामने आए हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, आप अररिया से 5 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है, अरवल में भी 5 संक्रमित मरीज मिले हैं फर्स्ट अपडेट के अनुसार, बांका में 7, बेगूसराय में 19 और भागलपुर में 75 संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी राजधानी पटना के बाद भागलपुर अभी भी संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर है, यानी भागलपुर संक्रमण के मामले में फर्स्ट अपडेट के अनुसार दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजधानी पटना है जहां 133 नए मामले सामने आए हैं, भागलपुर में 75 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में 7, बक्सर में 7 और दरभंगा में 1 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। ईस्ट चंपारण में 11, गया में 38, गोपालगंज में 23, जमुई में 39, जहानाबाद में 7, कैमूर में 3 और कटिहार में 17 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा खगड़िया में 12, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 9 और मुंगेर में 15 संक्रमित मरीज मिले हैं। आप बता दें कि मुजफ्फरपुर में फर्स्ट अपडेट के अनुसार 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं नालंदा में 6 और नवादा में 69 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी फर्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो फर्स्ट अपडेट के अनुसार पटना जिला नंबर 1 पे है संक्रमण के मामले में, भागलपुर में 75 नए मरीज यानी संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं नवादा संक्रमण के मामले में फर्स्ट अपडेट के अनुसार तीसरे स्थान पर है, 69 नए संक्रमित मरीज की पहचान नवादा में की गई है। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में 18 संक्रमित मरीज की पहचान हुई है, रोहतास में 4, सहरसा में 20 और समस्तीपुर में 24 संक्रमित मरीज मिले हैं। सारण में 27, शेखपुरा में 5, शिवहर में 2, सिवान में 16, सुपौल में 12 और वैशाली में 17 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी बिहार के 38 जिलों में से 34 जिलों में फर्स्ट अपडेट के अनुसार संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। 709 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 15,039 हो गया है, यानी 15,000 का आंकड़ा बिहार में कोरोना ने पार कर लिया है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो बिहार में रिकवरी केसेस जो हैं वो 10,000 के पार हो गए हैं। 10,251 लोगों ने अभी तक कोरोना को हराया है, यानी रिकवर करके उन्होंने घर वापसी की है। और आपको बता दें कि फिलहाल बिहार के कई जिलों में, पटना समेत कई जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि इस कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, पटना से 133 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे से अधिक लॉकडाउन का हो चुका है, बावजूद इसके कोरोना में फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही राजधानी की सड़कों पर प्रशासन ने ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट अपडेट के अनुसार 709 मामले सामने आए हैं और सिर्फ अगर पटना जिले की बात करें तो 133 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।
आपको बता दें कि कल से ही एक बार फिर से पटना में लॉकडाउन कर दिया गया है, यातायात पर रोक लगा दी गई है और तमाम जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी गई है। ऑटो परिचालन पर भी फिलहाल रोक है, घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके जो कोरोना का रफ्तार है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, उस पर ब्रेक फिलहाल लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 133 नए मामले सामने आए हैं, 709 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो गया है। वहीं अगर मौत की बात करें तो बिहार में मौत प्रतिशत भी लगातार बढ़ती जा रही है। 109 लोगों की अभी तक बिहार में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और ये आज का फर्स्ट अपडेट जारी किया गया है। फर्स्ट अपडेट के अनुसार 709 मामले सामने आए हैं, यानी जो लॉकडाउन एक बार फिर से राजधानी पटना में किया गया है, तमाम जिलों में किया गया है, राजधानी पटना समेत 11 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। हालांकि सबके नियम कानून अलग अलग है, लेकिन हालांकि यातायात व्यवस्था पर प्रशासन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट जारी किया गया है कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 133 नए मामले सामने आए हैं सिर्फ आज के फर्स्ट अपडेट की अगर बात करूं तो 133 नए मामले सिर्फ राजधानी पटना से सामने आए हैं। 709 कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा हो चुका है, 15,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जा चुका है। हालांकि 10,000 से अधिक लोगों ने अभी तक रिकवर भी किया है। कहीं ना कहीं ये राहत देने वाली खबर है कि 10,000 से अधिक लोगों ने रिकवर किया है, लेकिन 15,000 के पार कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी पहुंच चुका है। वहीं मौत की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो मौत का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। 109 संक्रमित मरीज की अभी तक बिहार में मौत हो चुकी है और सबसे अधिक मौत जिला पटना से ही सामने आया है। इसलिए आप तमाम दर्शकों से, जो भी हमारा अभी ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तमाम लोगों से एक बार फिर से अपील करूंगी कि प्लीज लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर से बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का रफ्तार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस रफ्तार को रोकने की जरूरत है और ये रफ्तार तभी रुकेगा जब आपकी रफ्तार रुकेगी। इसलिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।